हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशनेट फॉर कार्स, वी टॉक ऑटोमोबाइल्स हियर। आज आप देख रहे हैं बलेनो, ये फेसलिफ्ट देख रहे हैं आप। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे। रेंज शुरू होती है 6,40,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 10 लाख रुपये। ये ऑन रोड प्राइस मैं बोल रहा हूँ, ये प्राइस वेरी करेगा सिटी टू सिटी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ फॉग लैम्प नहीं मिलेगा। ये सुजुकी का लोगो, क्रोम में ये ग्रिल दी हुई है। पहले बलेनो के नाम से मारुति की सीडान गाड़ी भी आती थी, हालांकि उस गाड़ी का और इस गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इन्होंने नाम ही यूज़ किया है। इटली में स्थित सुजुकी स्टाइल सेंटर ट्यूरिन ने डिज़ाइन की हुई है बलेनो को। यहाँ पे ये आप कैप व्हील देख रहे हैं। व्हील साइज़ की बात करें तो 185/65R15 के टायर मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिलती है 3995 mm, विड्थ मिलती है 1745 mm, हाइट मिलती है 1510 mm, व्हील बेस है 2520 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का। बलेनो का कर्व वेट है 870 kg का। ये साइड व्यू मिरर पे टर्न इंडिकेटर्स यहाँ दिए हुए हैं। बलेनो की असेंबली आज अल्जीरिया और इंडिया में होती है। ये एंटीना, ये रियर स्टॉप लैंप दिया हुआ है, ये वाइपर रियर वाइपर, ये बलेनो का बैजिंग, सुजुकी का लोगो, यहाँ पे ये रियर सेंसर्स दिए हुए हैं। वारंटी की बात करें तो 2 ईयर्स या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है बलेनो पे, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने बलेनो को 5 out of 4 stars दिए हुए हैं। ये गाड़ी हल्की ज़रूर है पर पहले से मजबूत है। ये फ्यूल टैंक 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा बलेनो में। बलेनो में 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं और बलेनो में बूट स्पेस मिलता है, 339 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। आइए रियर डोर खोलकर देखते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है ये रियर डोर बलेनो का। यहाँ पे ये फैब्रिक फिनिश दी हुई है आर्मरेस्ट पे, कुछ स्पेस, पावर विंडो के स्विच, ये सिल्वर हाईलाइट दी हुई है, ये यहाँ बॉटल होल्डर दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे भी फैब्रिक फिनिश, ये सिल्वर में डोर हैंडल दिया हुआ है। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये रियर सीट्स बलेनो का। आइए अंदर बैठ कर देखते हैं। फैब्रिक सीट्स मिलती है ये 2-tone में। ये 2 adjustable हेडरेस्ट मिलेंगे, रियर पार्सल ट्रे, ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे हुक नहीं दिया हुआ साथ में। यहाँ पे ये 12 वोल्ट का आउटलेट पॉइंट दिया हुआ है। ये बॉटल होल्डर, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रंट का डैशबोर्ड बलेनो का डेल्टा वर्जन का। ये सेंटर में रीडिंग लाइट दी हुई है एक। आइए आगे चलकर देखते हैं बलेनो का ये फ्रंट डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पे ये आर्मरेस्ट पे फैब्रिक फिनिश दी हुई है, यहाँ पे भी फैब्रिक फिनिश, ये साइड व्यू मिरर एडजस्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है, ये फोल्ड करने का बटन, ये लॉक अनलॉक का बटन, पावर विंडो के स्विचेस, ये बॉटल होल्डर दिया हुआ है, ये कुछ स्पेस, ये सिल्वर हेडलाइट दी हुई यहाँ। यहाँ से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है ये फ्रंट का ये डैशबोर्ड बलेनो का। यहाँ पे ये सीट एडजस्टमेंट दिए हुए, ये फ्यूल लीड ओपनर दिया हुआ है। यहाँ पे सीट को पीछे कर लेते हैं हाथ से, आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसा दिखता है ये बलेनो का स्टेयरिंग, यहाँ पे ये प्लास्टिक में ही दिया हुआ है, ये सिल्वर हाईलाइट, यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे, ये सुजुकी का लोगो, एयरबैग, ये फ़ोन के और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये बीच में डिस्प्ले दिया हुआ है जो आपको शो करेगा आउटसाइड टेम्परेचर, किलोमीटर, रेंज, एवरेज टाइम दिखाएगा ये आपको, ट्रिप ए और ट्रिप बी भी दिखाएगा आपको। ये एसी वेंट सिल्वर हाईलाइट में दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये लाइट के कंट्रोल्स,
ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा यहाँ पे बलेनो में, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ये आप फैन की स्पीड प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर प्लस माइनस कर पाएंगे आप, ये अलग अलग मोड्स यहाँ दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसे। ये एसी का ऑन ऑफ का बटन, ये मोड्स, ये पार्किंग लाइट का बटन, यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको फर्स्ट लुक में जब गाड़ी बंद होगी तब टच स्क्रीन जैसा ही लगेगा, बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक बटन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हाथ से ही पूरा ऑपरेट होगा, ये रेडियो एफएम सपोर्ट करता है, यहाँ पे ये एसी वेंट्स सिल्वर हाईलाइट में, यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई आगे, दो बॉटल होल्डर, यहाँ पे ये यूएसबी और ऑक्स के पॉइंट दिए हुए, ये 12 वोल्ट का आउटलेट दिया हुआ है, ये एयरबैग, आइए ग्लोव बॉक्स खोलकर देखते हैं, काफ़ी डीप है ये बूट, सॉरी ग्लोव बॉक्स, ये हैंड ब्रेक, कुछ स्पेस दी हुई है हैंड ब्रेक के नीचे, यहाँ बॉटल होल्डर, आर्म रेस्ट आपको टॉप मॉडल में मिलेगा और जीटा में भी मिलेगा, ये रीडिंग लाइट, ये सनसेट के ऊपर यहाँ मिरर मिलेगा आपको, बंद कर देते इसे, ड्राइवर साइड यहाँ सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलेगा, ये रियर व्यू मिरर दिया हुआ है, आइए फ्रंट का बोनट खोलकर देखते हैं, इंजन कंपार्टमेंट तो यहाँ मिलता है 1200 cc 4-cylinder इनलाइन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 82 bhp 115 Nm का टॉर्क। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। पीस।